हेलो गाइस, माई सेल्फ अली एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंजीनियरिंग वर्ल्ड। आज के जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियर की पाकिस्तान में क्या स्कोप है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले मैं चाहूँगा कि काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और उस पर लगे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करने से पहले मैं इंजीनियरिंग को डिफाइन करूंगा। व्हाट इज इंजीनियरिंग? साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए किसी सिस्टम को इन्वेंट करना, उसे डिजाइन करना या उसे इम्प्रूव करना, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो इनपुट को लेता है, उसे मैनिपुलेट करता है और फिर एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, उन्हें लोकेट करता है। इसी तरह वीएलसी मीडिया एक सॉफ्टवेयर है जहां हम मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। इसी तरह अडोब फोटोशॉप इज़ अ सॉफ्टवेयर जहां हम अपनी इमेजेस वगैरह को एडिट करते हैं। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, उसे डिवेलप करना, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट अ सॉफ्टवेयर, हाउ टू डिवेलप इट एंड हाउ टू डिज़ाइन इट। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसमें कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है, प्रोग्राम डिज़ाइन पढ़ना पड़ता है, इसी तरह फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर, फोर्थ है नेटवर्किंग। सो ये वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने पड़ते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायरमेंट्स और सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, लेआउट्स बनाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन करते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं, ये बग्स को फिक्स करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो लेटेस्ट फीचर से अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे अपडेट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। अब हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाते हैं। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाता है वो है फास्ट, जो कि इस्लामाबाद कैंपस है। दूसरे नंबर पर नस्ट, वो भी इस्लामाबाद में है। थर्ड नंबर पे कॉमसेट्स, कॉमसेट का इस्लामाबाद कैंपस। गुलाम इसहा खान इंस्टीट्यूट जीकी, इसके अलावा यूएमटी लाहौर और पीयूसीआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाते हैं, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाई जाती है फास्ट, जो कि इस्लामाबाद कैंपस है फास्ट का। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पाकिस्तान में जॉब कहाँ कहाँ है, कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करती हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है नेटसोल कंपनी, जो अपने एम्प्लॉयर को 70 to 80,000 पे करती है। इसी तरह द रिजोर्स ग्रुप है, ये भी 75 to 85,000 पे करता है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 75 to 85,000 है। इसी तरह टेक्नोलॉजिक्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो स्टार्टिंग पे 50,000 पे करती है। सिस्टम लिमिटेड है जो स्टार्टिंग पे 50 to 60,000 पे करती है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि जिसकी भी स्टार्टिंग सैलरी 60 to 70,000 है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पाकिस्तान में तो स्कोप है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसकी स्कोप है। अब वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हाईली पे करती हैं? पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, थर्ड नंबर पे नॉर्वे, फोर्थ नंबर पे इसराइल और पांचवें नंबर पे डेनमार्क। ये वो कंट्रीज़ हैं जो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हाईली पे करती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।